हाँ माँ, सचमुच कोई मर गया है। तुम्हारे पति और मेरे पिता। केशव मल्होत्रा, तुम्हारे पति और मेरे पिता एक कार एक्सीडेंट में मर गए। ये कैसे हो सकता है? वही आश अपनी रंगीन जिंदगी से मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? हकीकत का सामना करो माँ, मेरे डैडी एक कार एक्सीडेंट में मर गए। मैं इटली जा रहा हूँ उनकी लाश लेने के लिए। अच्छा होगा अगर कुछ दिनों तक तुम अपने आप को शराब से दूर रखो, अपना होशो हवास संभाल कर अपने आप को मल्होत्रा खानदान की बेवा कहलाने के लायक बनाओ। कल वहां तमाम रिश्तेदार होंगे माँ, बिजनेस एसोसिएट्स होंगे, प्रेस होगी, और उन सब के बीच में खड़े होकर तुम्हें हमारे खानदान की शान और सम्मान को रिप्रेजेंट करना है। अपने आप को संभालो माँ। नहीं बेटा, हालात की मांग बहुत ज्यादा है, मेरे में ना इच्छा है ना इरादा है। प्लीज बेटा, मुझे किसी हॉस्पिटल में भर्ती कर दे, प्लीज। नहीं बेटा, डैडी की मौत ने जिस लाइमलाइट में लाकर हमारे खानदान को खड़ा किया, अगर तुम वहां से हट गई तो स्वेतलाना तुम्हारी जगह ले लेगी, और ये बात हमारे खानदान के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। मल्होत्रा खानदान की बहू तुम हो मां, तुम वो नहीं। केशव मल्होत्रा की पत्नी तुम हो वो नहीं। कल सारी नजरें तुम पर होंगी मां, और अगर तुम नहीं मिली तो यह खानदान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा।